आपके पास शेर भी है। अच्छा कॉल लेते हैं आपके साथ। शोशा यार आपके पास अपना एक एनिमल है तो आप मतलब कहीं लाते नहीं उसको? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, बच्चे बूढ़े, कैसे सारे ठीक ठाक है? कहाँ पर आए हैं हम लोग आए हुए हैं एक शो को चार चांद लगाने। हम डिफेंस क्रीक क्लब में है जो फरवरी में आए हैं। कराची का सबसे बड़ा पेट शो होता है, इसमें जितने लोग पागल हैं हमारी तरफ वो सब अपने पेट्स लेकर आते हैं, चाहे वो हरा तोता ही क्यों ना। हरा तोता हो, सफेद तोता हो, कोई भी पोपट हो, हर कोई अपना पोपट लेकर आते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे काफी कुत्ते मुझे बहुत नजर आ रहे हैं, बहुत सारे कुत्ते भी दो और हैं। बहुत सारे जानवर आसपास हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो मेरे लिए तो जन्नत है, लेकिन एज कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर्स इस दफा जानवर थोड़े कम है। जानवर कम है? अच्छा वैसे बड़ी अजीब सी बात रहेगी, लेकिन मैं किसी भी पेट शो में पहली दफा आया हूँ, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है ये बताएं। नहीं मुझे ऑल तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैं लेट आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी भी पेट शो में। बड़ी बात है, हैरत की बात है भाई, आना जाना रहना चाहिए ऐसे शोज में कम से कम रिलैक्सेशन के लिए। और एक 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 हवा में एक चीज़ दौड़ी गई यहाँ पे, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सिर्फ एक चीज़ है भाई, जो इंडिया में मुसलमानों पे पंगे हो रहे हैं उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस कुछ नहीं होता, कोरोना इंसान के अंदर बिल्ट इन होता है, एनिमल से स्प्रेड नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ओह माय गॉड। गूगल बाबा हैं आपके पास, आप सर्च करें। अच्छा जी, अभी हमने ढूंढना है, क्या ढूंढना है? हमने इस शो का सबसे बेस्ट डॉग देखना है, जो कि अंदर आते ही मुझे नजर आ गया था, सबसे खूबसूरत कुत्ता केन कोर्सो। केन कोर्सो एक ही है यहाँ पे और बहुत ही कोई खूबसूरत है। कहाँ पर है वो दिखाते हैं? हाँ यहाँ आपको दिखा। अच्छा जो यहाँ का सबसे अच्छा कुत्ता है ना, वो सो रहा है और मैं चाह नहीं रहा था कि हम उसको उठाएं और उसकी वीडियो बनाएं। इतने सारे डॉग्स होते हैं स्ट्रेस हो जाते हैं। जो एक ही है, यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स बहुत सारी डॉग है, ये डॉग ऐसा है जो कि यहाँ पर सिर्फ एक है और ये मैं इसको 3-4 शो से देखता हूँ। इसका शो मुझे एक याद है जिसमें ये रेड कलर का रुमाल बांधा था, आप इसकी ब्यूटी देखिए रेड कलर के रुमाल में कैसा लग रहा होगा। प्यार की इंतहा वाइट, वाइट शेफर्ड, और बहुत ज़्यादा रेयर भी है ये। और इसमें एक और यहाँ पे ब्रीड आई हुई जो पाकिस्तान में बहुत गिनती के लोगों के पास है और वो हमारे सामने बैठे हैं। क्लास कोई बहुत सुपर नहीं है, लेकिन बहुत डिफरेंट स्पीशी है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है? ठीक ठाक है। हाय हाउ आर यू? बस आप ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। हेलो हेलो, मैंने पहली दफ़ा ऑन को इतना एक्साइटेड देखा है किसी में, पहली दफ़ा इतना एक्साइटेड कुत्ते तस्वीर खिंचवाने के लिए। ये क्या, कौन सी भीड़ है यार? ये मेरा लव है। ये लव है? ये लव भाई, और मैं इतनी अच्छी क्वालिटी का पहली दफा देख रहा हूँ पाकिस्तान। रियली लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ये इतनी ब्रॉड होने के बाद कितनी देर है? 14 मंथ्स। शी इज 14, शी इज 14 इयर्स ओल्ड, 14 मंथ्स। गेट योर पिक्चर। इसको देखिए, कौन है ये, कौन है ये? ओ हसन चार्ली के साथ। यार ऑन 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 यार, एक बात बताओ, स्कूबी डू कुत्ता देखना है? स्कूबी डू लोग समझते हैं स्कूबी डू कुत्ता है ही नहीं, लेकिन स्कूबी डू कुत्ता है। और स्कूबी डू जो कुत्ता है उसे कहते हैं ग्रेट डेन, और यहाँ पे एक आया हुआ तो दिखाएं। आजा 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 आजा, लेकर ही आजा। ये है हमारे सामने ग्रेट डेन, और इसको भी डू जिसे कहते हैं, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रीड है, यानी हाइट में बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं इसको भी डू में उसके कान नीचे, इनके कुछ लोग कान पिंसर भी कराते हैं। इसके कान जो नज़र आ रहे हैं इसके कान नीचे हैं, ये नॉर्मली कुछ लोग इसको पिंसर भी करवाते हैं। इसका एक अजीब सा मसला है कि कुछ एज के बाद इसका एक साइड कोई भी डलना शुरू होता है, लटकना शुरू होता है, तो इसलिए इसको रखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये ब्रीड वाइज सबसे लार्जेस्ट ब्रीड है, यानी सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं ग्रेट डेन। बोलिए, पिटबुल जो कुत्ता होता है ना, बड़ा खतरनाक कुत्ता होता है, काफ़ी जगह पर बैन भी है। कराची में, पाकिस्तान में बैन है? बैन हाँ, किसी ज़माने में इसके लिए भी परमिट्स होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू।
आगे बढ़ा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उसको रखा हुआ कैसा है। पिटबुल भी फैमिली डॉग हो सकता है लेकिन एग्रेशन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गार्ड डॉग है, टेक्सस में सबसे ज़्यादा बैन है क्योंकि टेक्सस में अगर किसी के पास रॉटवाइलर या पिटबुल होगा तो लोग उसको देख के समझ जाएंगे कि ये गैंगस्टर है। ओ गैंगस्टर दिखाएं आपको कैसा होता है, किधर है पिटबुल? हमारे पीछे ही पिटबुल जो बहुत अच्छे हैं। चलो जी किधर है पिटबुल? ये हमारे पास पिटबुल बैठे हुए हैं और वीडियो बना लूँ मैं सर, बहुत अस्सलाम वालेकुम, बना सकता हूँ वीडियो? थैंक यू। बहुत अच्छी क्लास के पिटबुल हैं। पिटबुल में सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इनके कान क्रॉप नहीं करने चाहिए, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उसका। ये ऐसे नहीं कि किसी ने घर में लेके कान काट दिए, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर होता है। और ये जो कलर हमारे सामने बैठा हुआ है बहुत रेयर कलर है, ब्रिंडर कलर से कहते हैं। सॉरी क्या, बिस्मिल्लाह तेरी ऐसी कैसी, ये क्या है? यार मुझे नहीं कटवाना अपने आप को। अच्छा ये मजेदारी है इनकी और नॉर्मल साइज के पिटबुल्स आपने देखे होंगे, ये जो है ये एक्सेल है, एक्सेल है माशाल्लाह। और मजेदारी बात उस वाले का दिखाएं, वाओ ये जबड़े में अगर सिल्क का कपड़ा भी फंस जाए तो वो फटेगा, निकलेगा नहीं, ये जबड़ा काट के लॉक कर लेगा। बहुत ज्यादा होता है, एटलीस्ट पर डे इनको 2 किलोमीटर की वॉक चाहिए होती है, मतलब इनको एक्सरसाइज करानी पड़ती है जब ये इतने मस्कुलर बनते हैं। वेरी नाइस। अच्छा यहाँ जैसे आप सबको पता है कि मेरे पास भी एक डॉग है जो कि पोमेरेनियन है, और एक बंदे के आया था मैंने एक छोटा सा ना पोमेरेनियन देखा है ये इन भाई के पास। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मेरे पास भी दरअसल ये पोमेरेनियन है। अच्छा। ये बड़ा प्यारा सा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है टफी। टफी यार ऑन कोको का भाई आ गया। ये तो वन ऑफ द मोस्ट लविंग। हाँ हम ला नहीं सकते ना यहाँ पे, मसला है। थैंक यू सर। आप एलेक्स भाई को आपके पास शेर भी है? अच्छा आप एलेक्स भाई को कॉल भी करते हैं आपके साथ? शो शो यार व्हाई नॉट, क्यों नहीं आप एलेक्स भाई को भी कॉल करते हैं? एलेक्स से तो मैं लिया था मैंने, ये भी वही से आया। अच्छा 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 भाई भाई यहाँ यहाँ जो वैसे भी किसी और के नहीं लगते। अच्छा 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 ओके ओके वाह वाह बड़ा प्यारा मासूम आपने प्यारा सा बच्चा आपने। ये जो हम कुत्ता देख रहे हैं कौन सा कुत्ता है? ये अमेरिकन अकीता। अमेरिकन अकीता क्या कहानी है इसकी? ये बहुत रेयर ब्रीड है और ये भी टॉप 10 गार्ड डॉग्स में से एक है। Really? ये भी पाकिस्तान में गिनती के लोगों के पास है। बिल्कुल। ये बहुत कम लोगों के पास है और ये आप दिखाएं, इनमें कलर पैच जो होते हैं वो ऑलमोस्ट यही होते हैं, इसके अलावा इनके कलर्स होते नहीं है। अच्छा। बड़े फ्लफी से होते हैं ये, इनका अभी शेव हुए हैं ये, और ये कुत्ते दिखाए बहुत बहुत जबरदस्त ब्रीड है ये। सो गाइस जहां लड़के आए हैं यहाँ पे तोते भी आए हैं। सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? ये आपने कब से वाला है? ये जब से पैदा हुए। रियली? इनका कोई नाम वाम कुछ सोचा प्यार मोहब्बत में? जो जो कहते रहते हैं जो 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 है वो जो है वो जबरदस्त। ग्रे पैरेट बॉस क्या सीन है? ग्रे पैरेट सबसे मजेदार परिंदा, ऑलमोस्ट इंसान के 6 साल के बच्चे जितना ये बोल सकता है। सबसे मजेदार बात ये लड़का सिखाएगा ये लड़के के एक्सेंट में बोलेगा, लड़की सिखाएगी ये लड़की के एक्सेंट में बोलेगा, बच्चा सिखाएगा तो ये बच्चे के एक्सेंट में बोलेगा। और ये मिमिक भी करते हैं प्लस ये रिप्लाई भी करते हैं, यानी लोग मिट्टू को ये समझते हैं ना मिट्टू कैसा है, मिट्टू बोलेगा मिट्टू कैसा है, लेकिन ये रिप्लाई करते हैं। बड़े मजेदार। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा यहाँ पे पता नहीं बहुत रश लगा हुआ है, इतना रश लगा हुआ है कि पता नहीं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, रश लगा हुआ है रश लगा हुआ है। अच्छा इस शेर के बच्चे की वजह से रश लगा हुआ है। यार एक चीज मैं बताऊं कि लोगों को एक बड़ी जोर से लगती है कि शेर के गले में पट्टा है, चेन है। ये सेंचुरीज वगैरह मैंने पहले ही बताया कि सेंचुरीज वगैरह में कुछ ऐसा होता है, कैप्टिविटी में मदर्स जो है बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको हैंडल कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एज तक रखवाते हैं, तो ये इसलिए। और चेन पट्टा इसलिए होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इसलिए कि घर में चेन पट्टे में नहीं रहता, ये पब्लिक प्लेस है, लोग इससे क्लोज हों एटलीस्ट एक दफ़ा करीब से देख सकें। और अगर किसी वाइल्ड लाइफ वाले को कोई प्रॉब्लम है तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, पाकिस्तान से इन लॉयंस का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में कहीं भी शेर नहीं पाए जाते, कहीं पर नहीं पाए जाते, ये इम्पोर्टेड हैं और ये सेंचुरीज देती हैं कि जो लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं 6, 7, 8, 12 मंथ्स तक वो इनको अफोर्ड करें, ताकि फिर ये इनको वापस सेंचुरीज में दे दी जाए, इनकी ब्रीड बराबर रहे इस वजह से। अच्छा और बेस्ट पार्ट ये भी मुझे भाई ने बताया इसका नाम सिम्बा है।
और ये भी बता दिया कि देखा है आपको सिम्बा के साथ। इन भाई का है भाई, भाई कब से रखा हुआ है? सर 5 months हो गए। 5 months हो गए, कब था जब लिया था? घर में ये अक्सर जो है खुला ही रहता है गार्डन में, और ये बच्चा देखें इसके साथ खेलते रहते हैं, इसका बेस्ट फ्रेंड है। ओहो अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। और बेस्ट पार्ट ये है, लोग बोलते हैं कि शेर डी क्लॉड है, नहीं पूरे नाखून है भाई, कोई डी क्लॉड नहीं है। तो ऑन जाते जाते क्या हम कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बहुत सारे पेट लवर्स हैं कराची में, ऐसे शोज वगैरह में आना चाहिए। yes. आपको सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिलेगी, प्लस ये कि आप देखोगे कि यहाँ पर लोगों ने क्या क्या रखा हुआ है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, नॉलेज मिलती है, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है जो हम टीवी में देखते हैं और गूगल में देखते हैं। एग्जैक्टली। सो यस, ये थी आज की वीडियो, वीडियो फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा, पेट्स का ख्याल रखिएगा, एंड यस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।